तोड़ दूँ। What's up guys, मैं अरुण अमीन। तो गाइज वेलकम टू द न्यू व्लॉग एंड बस एक क्विक अपडेट दे रहा हूँ कि मेरी अंकिता से कोई बात नहीं हुई, उसका फोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। नेक्स्ट डे हो चुकी है एंड कल मैंने उसकी मॉम से बात की थी तो पता चल गया था कि अंकिता घर पे, मतलब शी इज सेफ बट गुस्से में है बहुत ज्यादा। अब मैं चाहता तो अर्ली मॉर्निंग उठ के तुरंत उसके वहां जा सकता था बट मैंने सोचा कि ऐसा नहीं करना है, थोड़ा उसको भी कूल डाउन होने का टाइम देता हूँ एंड देन मैंने सोचा कि फोन भी नहीं करना है क्योंकि उसका फोन तो वैसे भी स्विच ऑफ आ रहा है। मैंने ट्राई किया पर घर के किसी नंबर पे मम्मी को या भाई को ऐसे फोन नहीं कर रहा हूँ मैं। अभी शाम होने वाली, मतलब अभी समझो ना 3 बजी है। अब मैं थोड़ी देर में यहाँ से निकलूंगा, जो मुझे वीडियोस अपलोड करने थे वो मैंने कर दिए हैं यूट्यूब पे अपलोड, तो आज का व्लॉग वगैरह तो आ जाएगा एंड अब मैं निकलूंगा घर से और जाऊंगा बड़ौदा स्पेशली उसको मनाने के लिए, और अगर वो मान जाती है तो उसको वापस लेने के लिए। मतलब अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि मैंने, मतलब काफ़ी टाइम हो गया है कोविड वाला, मैंने बहुत पहले जब लॉकडाउन में प्रैंक किया था तब 2 दिन बात नहीं हुई थी, उसके बाद इतने टाइम के बाद अब ऐसा टाइम आ रहा है जब मैंने एक्चुअल में मोर देन 24 आवर्स से भी ज्यादा हो चुका है जब मैंने अंकिता से अब तक बात नहीं की है। चलते हैं, कोशिश करते हैं अंकिता को मनाने की। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं जस्ट अभी सो के उठी हूँ और या मैं जनरली सो, मेरा हिरन के साथ झगड़ा होता है ना तो मैं रोते रोते फिर सो जाती हूँ एंड उठती हूँ तब मेरा गुस्सा काफ़ी हद तक ठंडा हो जाता है और मुझे फिर उसकी याद आने लगती है। स्टिल अभी तो मुझे उसकी याद आ रही है पर मेरा गुस्सा बहुत ही थोड़ा सा कम हुआ है। मेरा फ़ोन स्विच ऑफ करके रखा हुआ था और मैंने ब्लॉक किया हुआ है तो मेरे पे फ़ोन आना तो है नहीं सकता। काफ़ी घंटों से हिरन के इंस्टाग्राम पे एंड फेसबुक पे मैसेजेस नहीं आए हुए हैं तो मे बी अब मैं नीचे जाऊंगी फ्रेश होके एंड देखूंगी मेरी मॉम पे उसका फोन मैसेज आया है या नहीं एंड या तो मैं मिलती हूँ, नीचे जाके चेक करती हूँ फिर आपको बताती हूँ कि मैसेज फोन आया है या नहीं। सो हाय गाइस, मैं नीचे गई थी आपसे जब बात करी थी और उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट किया, अगर मॉम से पूछा गया हिरन का कोई फोन वोन आया था तो मॉम ने बोला मुझे कोई फोन नहीं आया, तो मैंने मॉम का फोन लेकर के चेक किया कि व्हाट्सएप आया हो या नॉर्मल मैसेज आया हो या बाई चांस मिस कॉल हो गया और मॉम ने देखा ना हो, पर इन सब में से ऐसा कुछ भी नहीं था, हिरन का कोई नहीं आया। फिर मैंने देखा पापा से पूछा और दिव्यांग से पूछा पर उन लोगों पर भी नहीं आया था फोन मैसेज कुछ भी, तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि हिरन के इतने वक्त से नहीं आया। बट मुझे फिर ऐसा एहसास हुआ कि मे बी वो चाह रहा हो कि मैं उसको सामने से कॉल मैसेज करूं या वो देखना चाह रहा हो कि अंकिता नॉर्मल हो जाए एंड थोड़ा उसको टाइम दूं और फिर मैं उसको कॉल मैसेज करूं। आई डोंट नो उसके दिमाग में क्या चल रहा है बट वो चाह रहा हूँ मे बी कि मैं फोन करूँ मैसेज करूँ, जो होने वाला बिल्कुल नहीं है और मैं उसको सामने से कॉल मैसेज नहीं करने वाली हूँ। इन बिटवीन अगर उसके कोई भी फोन मैसेज अपडेट आते हैं तो मैं आपके साथ पक्का शेयर करूँगी और आज नहीं तो कल आई एम श्योर हिरन आएगा बड़ौदा मुझे मनाने के लिए, जब तक अगर मैं उसको सामने रिस्पॉन्ड नहीं दूंगी तो। और जब भी वो आएगा ना मैं बस वेट कर रही हूँ और मैं उस पर करने वाली हूँ प्रैंक, जिसकी अपडेट जब वो आएगा तब आपको पता चल जाएगा। तो निकल चुका हूँ घर से, मतलब अभी तो अहमदाबाद में ही हूँ, अभी एक्सप्रेस वे पे आया नहीं है, फ्यूल डलवाने के लिए गया था और मम्मी को कुछ काम था तो वो पिक करके सामान घर पे दिया, देन निकला हूँ। आज डीजल गाइस 4,000 रुपए का डीजल डलवाया, वो भी एकदम फुल नहीं हुआ है, 4,000 का डीजल डलवाया। अभी कितने किलोमीटर दिखा रहे थे, फिलहाल ऐसा दिखा रहा है कि 859 किलोमीटर और चलेगी, बोलो कौन से शहर की तरफ निकल जाए। तो अभी सिग्नल खुल गया है, सब्सक्राइबर मिले। एक्चुअली मेरा ध्यान नहीं था, मेरा ध्यान अभी भी अंकिता में था पर अचानक नॉक किया तो मुझे पता चला सब्सक्राइबर है, अच्छे लोग थे। एक और पंगा मुझे अचानक याद आया कि मेरी गाड़ी में फास्टैग लगा हुआ ही नहीं है, क्योंकि लास्ट में जब गाड़ी का कांच क्रैक हो गया था उसके बाद अंकिता ने प्रैंक में फोड़ दिया था, उसमें फास्टैग चला गया। अभी वहाँ पे स्कैन नहीं हो पाएगा कुछ, अब नया मिलता है कि नहीं वहाँ से पता नहीं है, बाकी होपिंग कि अब कैश पे ही जाना पड़ेगा और मैं भूल गया ATM में से फास्टैग अप्लाई करने के लिए, देखते हैं। तो जस्ट एक्सप्रेस हाईवे के बाहर, मतलब उसके थोड़ी पहले यहाँ पे सब जो काउंटर्स होते हैं वहाँ पे से रिप्लेस हो जाएगा पुराना वाला, मतलब नया मिल जाएगा, पुराना वाले में ही रिप्लेस हो जाएगा पेटीएम का। तो बस 2 ही मिनट में नया फास्टैग लग चुका है पेटीएम का, पता नहीं कुछ इनेबल पेमेंट का मैसेज आया था पर उसको क्लिक करके पता नहीं पेटीएम पोस्टपेड की तरफ जा रहा था, तो पता नहीं वो पुलिस स्कैन हो जाए, पर ना अगर मैं फास्टैग की लाइन में गया और स्कैन नहीं हुआ तो डबल पेमेंट कटेगा, मतलब 220 रुपए का मुझे कैश देना पड़ेगा। पता नहीं मेरे पेटीएम के अंदर बैलेंस था फिर भी इसमें ऐसा दिखाया इनसफिशिएंट बैलेंस, अब पता नहीं उसमें क्या इश्यू है मुझे नहीं मालूम बट सेटिंग्स में कुछ चेक करना पड़ेगा। एनीवे स्टॉल से निकल चुके हैं, आई होप रिटर्न में ऐसा सेम प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो बड़ौदा पहुंच चुका हूं और भूख लगी है बहुत ज्यादा क्योंकि लंच अच्छे से किया नहीं था, जल्दबाजी में निकला था, मूड भी नहीं था,
तो मैंने मैकडॉनल्ड से पिक किया है अपना गौरमे का मैक्स स्पाइसी प्रीमियम पनीर, नहीं मिक्स स्पाइस प्रीमियम मैक्स स्पाइसी पनीर। क्या हो रहा है आपको, मेरी शक्ल से लग रहा होगा ना मैं टेंस्ड हूँ और मेरा ध्यान नहीं है, होता है। और एक और बात गाइस, जो गौरमे के जो प्रीमियम बर्गर्स वगैरह जो आते हैं वो इसमें इतना बड़ा बॉक्स क्यों देते हैं, मतलब इट इज सच अ वेस्ट ऑफ मटीरियल एंड ऑल्सो वेस्ट ऑफ क्या बोलते हैं उसको, पेपर मटेरियल है, जो भी मटेरियल है पेपर मटेरियल ही ऑब्वियसली, क्योंकि अंदर तो यही रैपिंग में आता है जो हर बर्गर आता है और खाना इसी में से है, तो आई थिंक इतने रैपिंग तक फिर भी ठीक है, इसका कलर वलर चेंज कर दो, थोड़ा इसका मटेरियल चेंज कर दो, इतना बड़ा बॉक्स हर एक बॉक्स फेंकने में जाता है, नॉट वर्थ। समझ में नहीं आ रहा सुन या ये नर्वसनेस की हसीियत से मैं पहुंच चुका हूं, पार्क कर दी गाड़ी, ऊपर जा रहा हूं, मुझे कोई अंदाजा नहीं है कि क्या रिएक्शन आएंगे, वो मानेगी नहीं मानेगी, वो अभी भी गुस्से में है, नहीं ऑब्वियसली गुस्से में तो है ही क्योंकि फोन स्विच ऑफ है उसका, एंड कुछ भी आइडिया नहीं, दिमाग ब्लैंक है मेरा यार, देखते हैं ट्राई तो करते। वैसे टाइम हुआ अभी 6:30 हो रही है गाइस, ही रहना है ना, यहाँ नीचे आ गया है, इसके मैं बाथरूम में आकर रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मैंने जैसे बोला था कि वो कभी भी आ सकता है, वो आ गया है, मुझे पता है, वो मुझे मनाने आया है, बट मैं नहीं मानने वाली हूँ, और मेरे दिमाग में एक सुपर डुपर वाला प्रैंक है, तो फटाक से सेटअप कर लेती हूँ और आप देखोगे प्रैंक को। ओके गाइस, अंकिता रूम में है, बहुत नर्वसनेस हो रही है, मनाने के लिए मुझे नहीं मानना तेरी बात, तुझे आना ही नहीं चाहिए था हिरन ऊपर। क्या हो गया अंकिता यार, तू फोन स्विच ऑफ करके बैठी है, मुझे बात ही नहीं तेरे साथ में। ये देखो गाइस, बंद कर दे कैमरा, मुझे तेरा कोई भी तरह का कैमरा में मेरा वीडियो में नहीं आना, प्लीज बंद कर दे, मैं इसको तोड़ दूं कुछ भी हो जाए, उससे अच्छा है कि बंद कर दे, प्लीज कह रही हूं, इतनी बात मान सकता है जिंदगी में। ओके गाइस, तो फाइनली सक्सेसफुल मनाने में हो गया हूँ, काफी सारे नाटक किए, इसने प्रैंक करने की कोशिश की है, जो आपको प्रैंक चैनल में देखने मिल जाएगा, ब्रेकअप प्रैंक, खुद ही हंस रही थी और खुद ही प्रैंक कर रही थी और खुद ही गुस्से हो रही थी, कुछ समझ में नहीं, एनीवेज मना लिया है मैंने मुश्किल से इसको, और अभी मनाना पड़ेगा अच्छी तरह, और अभी मैं अच्छे से बात करूंगी जा रहे हैं बस अहमदाबाद निकल रहे हैं। ओके गाइस, तो बात शात तो अब देवी ज़्यादा कुछ हो नहीं रही मेरी और अंकिता की, लेकिन मेरे को ना नेक पे कुछ ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा है, तो मेडिकल स्टोर अगर मिल जाएगा तो ठीक है, मैंने अंकिता को बोला मोबीजॉक्स हो तो दे दे, वो नेक पेन के लिए थोड़ी अच्छी रहती है, पर नहीं है तो देखते हैं मेडिकल स्टोर होपफुली मिल जाए, क्योंकि अनबेरेबल पेन हो रहा है मेरे को, मतलब मैं गर्दन सही नहीं रख पा रहा हूँ, चढ़ जा मेरे ऊपर साले, पैप उप उप कर रहा है फालतू में खाली रास्ते पर, यार मुझे समझ भी नहीं आता गाइस, आप लोग मुझे बताओ, अगर आगे जगह नहीं है फुल ट्रैफिक है तो हॉर्न मारने का क्या फायदा, अगर खाली रास्ता है साइड भी दिया हुआ है तो फिर हॉर्न मारने का क्या फायदा, जाओ यार ट्रैफिक में फंस गए, तो ऑलरेडी बहुत लेट हो गया, 9:00 है, मैंने नहीं बोला इतना लेट है, मैं तेरे से बात कर रहा हूं अभी, एक तो जवाब तू, तेरा प्रॉब्लम क्या पता है, हो गया सब सॉल्व, इधर देख सब सॉल्व हो गया है, या तो फिर तू बात ही नहीं करती है, या तो फिर बात करती है तो कुछ उल्टे ट्रैक पे बात करती है, इससे तो ऐसा लगता है इससे तो मत ही कर, ठीक है कर बात, अबे ये बाहर के टेट 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 क्या कॉपीराइट आ जाएगा, गाना सही चल रहा है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। ओके गाइस, अंकिता को मैंने भेजा, मतलब मैंने नहीं भेजा, अंकिता को खुद को कॉफी पीनी थी, तो मैंने बोला मेरे लिए भी एक लेके आ जाए, तो वेट कर रहा हूँ अमूल में, गई है, बहुत ज्यादा भीड़ है, देख सकते हो आप यहाँ पे से अंकिता दिखेगी भी नहीं, वो रही। पर कोई बात नहीं, शायद अहमदाबाद पहुंचते पहुंचते या कल सुबह तक तो सब नॉर्मल हो जाएगा, तो ज्यादा टेंशन नहीं है। तो अंकिता बिना कॉफी लिए वापस आ गई है, क्यों अंकिता? उसे बोला हाँ मैं 2 मिनट देता हूँ, मैं खड़ी रही, वो बाकी लोग को दे रहा था, मतलब कितना टाइम लगेगा, भीड़ कम होने, उसने बोला 5-10 मिनट लगेगा, मतलब ठीक है छोड़ो रहने दो, तुम लोग निकल रहे हैं। ये अंकिता अभी वहाँ पे तो बहुत ज्यादा भीड़ थी जैसे मैंने बताया आपको, तो यहाँ पे अंदर की तरफ थोड़ा हाईवे के नीचे की तरफ है, तो यहाँ से मैंने अंकिता को बोला कुछ भी वेफर वेफर ऐसा कुछ भी लेके आ जा, तो रास्ते में सारा टाइम पास हो, ऐसे गर्दन बहुत ज्यादा पेन कर रही है और उसके जैसे दिमाग नहीं चल रहा है, और उसके ऊपर से अंकिता भी अच्छे से बात नहीं कर रही है, अब शायद उसके टेंट्रम है क्या, सच में अभी भी उसका दिमाग ठिकाने पे नहीं है, वैसे टेंट्रम ही लग रहे क्योंकि इतने टाइम से जानता हूँ मैं उसको, तो होता है लड़कियों वाले नखरे वो चल रहे हैं, वो थोड़ा झेलने पड़ेंगे, हो जाएगा।